तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि यूक्रेन रूस की जंग को लेकर अमरीका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, निंदा प्रस्ताव के पक्ष में वोट न करने पर अमरीका भारत से हुआ नाराज, भारत पर लगा सकता है प्रतिबंध, मोदी की बड़ी मुश्किलें। वही आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश के पांचवें चरण के लिए वोटिंग शुरू, बीजेपी का हुआ सुपड़ा साफ, बन चुकी है सपा की सरकार। वही आपको बताएंगे दोस्तों की गोबर के बाद गौमूत्र भी खरीद सकती है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, सीएम बघेल ने कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस से युद्ध के लिए यूक्रेन ने इजराइल में भर्ती अभियान शुरू किया, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लोगों से की अपील। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल 200 रुपए महंगा कर देगी बीजेपी, इसलिए इसे हराएं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि युद्ध के बीच यूरोप यूनियन से रूस को लगा बड़ा झटका, विमानों की सप्लाई पर यूरोप यूनियन ने लगाई रोक। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, अमेरिका के समर्थन में ना उतरकर मोदी ने रूस का दिया साथ। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूक्रेन और रूस जंग को लेकर मोदी सरकार को अमेरिका से बड़ा झटका लगा है, और अब रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर अमेरिका कभी भी भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव लाया गया था, निंदा प्रस्ताव के पक्ष में मोदी सरकार ने वोट नहीं किया और अमेरिका का साथ नहीं दिया, जिससे रूस खुश हुआ। लेकिन अब अमेरिका के सांसदों ने भारत के इस कदम पर नाराजगी जताई है और सीधे शब्दों में कहा है कि भारत और चीन का लगातार विवाद सीमा को लेकर बढ़ रहा है, अगर भारत इस तरह से हमारा साथ नहीं देगा तो जब चीन भारत पर आक्रमण करेगा तो भारत का साथ रूस नहीं बल्कि अमेरिका ही देगा, मोदी को सोचना चाहिए और निंदा प्रस्ताव में हमारे पक्ष में वोट मोदी सरकार को भारत को करना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार ने निंदा प्रस्ताव से दूरी बनाई और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मोदी सरकार के सांसद नहीं पहुंचे, जिसके बाद अब मोदी सरकार को अमेरिका से बड़ा झटका लगा है। वोट ना करने पर अमेरिका ने गहरी नाराजगी भारत के प्रति जताई है और कहा है कि आने वाले भविष्य में हम इसको लेकर कार्रवाई भी करेंगे। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण के मतदान में ही भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ, पांचवें चरण में ही बन गई सपा की सरकार, बीजेपी को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में आज 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। भैया आपको बता दें कि इन चरणों में ही साफ हो गया कि किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में पांचवें चरण में जो 61 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उसमें भाजपा को बड़ा झटका लगा है, और पांचवें चरण में किसानों ने जो है आवारा पशु सहित महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर वोट किया है, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि खबर ये आ रही कि उत्तर प्रदेश में पांच चरण के मतदान में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है, बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित राजा भैया बुरी तरह से चुनाव उत्तर प्रदेश में हारने वाले हैं, और पांचवें चरण के मतदान से ही साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और उम्मीद जताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं वो 230 के लगभग आएंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ आज हो गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोबर के बाद गौमूत्र भी खरीद सकती है छत्तीसगढ़ सरकार, सीएम बघेल ने कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में गोबर के बाद गौमूत्र की भी खरीदी की जा सकती है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके निर्देश दिए हैं। सीएम ने मुख्य सचिव को राज्य के कृषि वैज्ञानिकों, गौमूत्र का रासायनिक खादों या कीटनाशकों के बदलते उपयोग करने वाले किसानों से संपर्क करके रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। माना जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार गौमूत्र भी खरीद सकती है, इससे ऑर्गेनिक कीटनाशक बनाकर किसानों को दिया जाएगा। 2 सप्ताह में तैयार होगी कार्य योजना। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस समय कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले ही दिनों गोबर का वो गाय का गोबर खरीदने की बात की थी और 2 रुपए किलो गाय का गोबर छत्तीसगढ़ सरकार खरीद रही है, लेकिन अब भूपेश बघेल ने एक कार्य योजना बनाई है कि भाई हम गोबर के साथ साथ गाय का गौमूत्र भी खरीदेंगे और इससे कीटनाशक बनाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस से युद्ध के लिए यूक्रेन ने इसराइल में भर्ती अभियान किया शुरू, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लोगों से की अपील। जब दोस्तों आपको बता दें कि रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन ने विदेशों में भी लोगों की भर्ती का अभियान शुरू कर दिया है। इसराइल की राजधानी तेल अबीब में यूक्रेनी दूतावास ने रूस के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों की भर्ती शुरू कर दी है। इसराइल में यूक्रेनी दूतावास की ओर से इसे लेकर ट्वीट किया गया है। इसमें कहा गया है कि जरूरी सूचना, जो कोई भी रूस के हमले से यूक्रेन को बचाना चाहता है, दोस्त और भाइयों और इसराइल में मौजूद दूसरे
दूसरे देशों के निवासियों, दूतावास ने रूसी आक्रमण के खिलाफ स्वयं सेवकों की भर्ती शुरू कर दी है। संदेश में आगे कहा गया है कि अगर आप यूक्रेन को बचाना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें और यूक्रेन की सेना में भर्ती हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इसराइल में सेना भर्ती का काम शुरू कर दिया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में उलमा बोर्ड ने काजियों से की अपील, कहा लव जिहाद है गैर कानूनी, दी हिदायत। जय दोस्तों आपको बता दे कि अब ऑल इंडिया उलमाए बोर्ड ने लव जिहाद को लेकर सख्त रुख अपनाया है। बोर्ड ने साफ ऐलान कर दिया है कि लव जिहाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने मध्य प्रदेश में काजियों को चिट्ठी लिखकर सख्त हिदायत दी है कि माता पिता की सहमति और मौजूदगी के बिना गैर समाज की लड़की से निकाह ना कराए। वही दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने उलमाए बोर्ड के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने सरकार से प्रेरित होकर यह फैसला लिया है। बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष काजी सैयद अनस अली नदवी का कहना है कि उन्हें कुछ शिकायत मिली है कि दो अलग अलग मजहब के लोग को चोरी छिपे निकाह करा दिया जाता है, जिस पर विवाद में विवाद होता है और सांप्रदायिक मुद्दा बनता है। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है, ये सिर्फ शादी के लिए मजहब बदल लेने से ऐसे मामलों की जांच की जाए। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी के कई नेताओं ने लव जिहाद कानून भी मध्य प्रदेश में लागू करवाया था, विरोध भी किया था इसका। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की काजियों ने ये बड़ी अपील की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में बंद मछुआरों की रिहाई की भारत में उठी मांग, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दे कि आजीविका के सिलसिले में गुजरात में रह रहे उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के 8 मछुआरे पिछले दिनों समुद्र के रास्ते भटककर पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान में इन्हें बंदी बनाए जाने की आशंका है। भाई आपको बता दें कि अब गृह मंत्रालय से इनकी रिहाई की मांग की गई है। आजाद समाज पार्टी के प्रतिनिधित्व मंडल ने जिला अधिकारी के माध्यम से मछुआरों की रिहाई के प्रयास तेज करने की केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांग की है। पार्टी के वाराणसी मंडल के प्रभारी SP मानव ने मंगलवार को बताया है कि मछली शहर के चौबेपुर निवासी राजनाथ विद, वरसिहा निवासी विनोद कुमार विद जो है 2021 में गुजरात गए थे, जहां एक सेठ के पास नौकरी के तहत समुद्र में मछली मारने का काम करने लगे। उन्होंने बताया कि एक दिन मछली मारते हुए उनकी नाव भटक कर पाकिस्तान के वाटर में चली गई। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इनको बंदी बना लिया। इस घटना की सूचना गुजरात के अखबार में प्रकाशित हुई है। इसमें पीड़ितों के परिजनों को घटना की जानकारी उनके यहाँ पर दी गई है, जिसके बाद उन्होंने अब मोदी सरकार से पाकिस्तान से इनकी रिहाई की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अब देखते हैं मोदी सरकार कब तक इन्हें पाकिस्तान से छुड़ाने में कामयाब होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने सादा निशाना, कहा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल महंगा कर देगी बीजेपी। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि करने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा बीजेपी वाले डीजल पेट्रोल को और महंगा कर देंगे। बहराइच जिले के प्रयागपुर विधानसभा क्षेत्र के पैतोरा मोड़ पर सपा उम्मीदवार मुकेश श्रीवास्तव के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख ने बीजेपी को जमकर खरी खरी सुनाई। अखिलेश यादव ने कहा है कि जब ये बीजेपी वाले सरकार में आए तो इन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने का नारा दिया था और गरीब भाइयों की गाड़ी भी अब उत्तर प्रदेश में नहीं चल पा रही है, किसानों का ट्रैक्टर भी उत्तर प्रदेश में नहीं चल पा रहा है, इन्होंने इतना महंगा पेट्रोल डीजल कर दिया। उन्होंने कहा है कि याद रखना कि मैं कहकर जा रहा हूं और अखबार भी लिखने कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा बीजेपी वाले पेट्रोल भी 200 रुपये लीटर कर देंगे। बीजेपी वालों के बयान और व्यवहार से लग रहा है कि हार के डर से वो हिंसा पर उतर आए हैं और उनका व्यवहार अब कुश्ती में हार रहे पहलवान जैसा हो गया है। तो अखिलेश यादव ने ये गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोपीय यूनियन ने रूस को दिया तगड़ा झटका, विमानों की सप्लाई पर लगाई रोक। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और यूक्रेन को लगातार यूरोपियन देश घेरने में लगे हुए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा समेत दर्जनों देश रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान कर चुके हैं। वहीं अब यूरोपियन यूनियन ने भी रूस को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि युद्ध के बीच रूस के खिलाफ पाबंदियों का सिलसिला लगातार जारी है। दुनिया भर में राष्ट्रपति पुतिन की युद्ध छेड़ने की निंदा की जा रही है। अमेरिका, ब्रिटेन में राष्ट्रपति पुतिन और उनके विदेश मंत्री ने अब रूस के जो फाइटर प्लेन है उन पर रोक लगा दी, यानी अब रूस किसी को भी फाइटर प्लेन दुनिया के देश को नहीं बेच सकता, उसकी सप्लाई पर इन देशों ने रोक लगा दी है, जो रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में 16 मार्च को आएगा फैसला, मोदी समाज को लेकर दिया था ये बयान। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में चल रहे एक मानहानि केस में 16 मार्च को अहम फैसला आएगा। ये मामला सूरत कोर्ट में चल रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस बीजेपी विधायक पूर्ण देश मोदी की ओर से दायर किया गया था। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने मोदी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ये केस 2019 में दायर हुआ था। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार जिले में आयोजित एक चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी उन सभी का
अपना सामान्य सैन्य मोदी कैसे है, सभी चोर कैसे आए। राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा विधायक ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का दर्ज मामला कराया था और अब इसमें सुनवाई हुई है। अब राहुल गांधी पर कार्रवाई इस मामले को लेकर हो सकती है। ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए, अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अकलमंद है जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहाँ पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा था। और वो उस वक्त कौन थे हम जानते हैं।